ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आगे नारद जी राजा प्रचीन बरही को बताते हैं कि राजा पुरंजन इस प्रकार से अनेकों प्रकार की इच्छाओं के ऊपर आसक्त हो करके, क्योंकि उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिसके कारण अनेकों प्रकार के यज्ञ कराने में लगा है संसार को भोगने के लिए, तो इन सब इच्छाओं से आसक्त हो करके, अपने परिवार के जनों से आसक्त हो करके, और उसकी चेतना जो है दूषित हो चुकी है। इस दूषित पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस, इस दूषित चेतना के साथ में अब उसके जीवन में ऐसा समय आ गया जो किसी भी व्यक्ति को जो भौतिक संसार को भोगना चाहता है उसको वो समय पसंद नहीं होता है। मतलब नारद जी बताना चाहते हैं धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, उसको मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा है, जो उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो इस संसार को भोगना चाहता है वो पसंद नहीं है। भगवान का भक्त जो है वो चिंता नहीं करता है, वो जानता है ये शरीर छोड़ने के बाद में मैं भगवत धाम वापस जा सकता हूँ अगर मैं भगवान की भक्ति को सही प्रकार से करता हूँ, तो उसको मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है जिसको हम समझ सकते हैं। एक बार एक संत थे, इस महान संत ने चार प्रकार के लोगों को चार प्रकार के अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किए। तो इन चार प्रकार के जो आशीर्वाद उन्होंने चार अलग अलग लोगों को दिए बहुत मायने रखते हैं समझने के लिए कि भाई इस महान महात्मा संत ने चार अलग लोगों को चार अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद क्यों दिए। तो उसके पास में एक राजा का पुत्र आया था, तो राजा होता है उसका पुत्र है राजकुमार, जो अपने पिताजी के धन दौलत ऐश्वर्य पर जी रहा है, अनेकों प्रकार के भोगों में लगा है। तो संत ने उसको आशीर्वाद दिया, राजपुत्र राजपुत्र चिरम जीवा, तुम लंबी आयु तक जीवित रहो। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई हमारे पांव छूता है तो हम कहते हैं चिरंजीवी भवा, मतलब तुम लंबी आयु तक जियो। तो उसको ये आशीर्वाद दिया। एक मुनि का पुत्र था, तो मुनि का पुत्र जो है अनेकों प्रकार की तपस्याओं में लगा था, सवेरे जल्दी उठना, अनेकों प्रकार की तपस्या करना, स्नान करना ठंडे पानी में, नदी में जाकर के स्नान करना, अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करना। तो संत ने उसको आशीर्वाद दिया, मुनि पुत्र माँ जीवा। उन्होंने कहा कि हे मुनि पुत्र, अब तुम बहुत जी लिए, अब
आगे जीने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर है तुम शरीर का त्याग कर दो। तो देखिए दोनों का बिल्कुल अलग अलग। राजा के पुत्र को कहा चिरम जीवा, तुम्हारी आयु लंबी हो, और मुनि पुत्र को वो आशीर्वाद दे रहे हैं बस आगे मत जियो, काफी जी लिए तुम, इतना काफी है, मां जीवा अब जीने की जरूरत नहीं है। तीसरा, उन्होंने उनके पास में एक कसाई आया। जो कसाई होता है वो हमेशा अपने कसाई घर में अनेकों प्रकार के जानवरों को मारता है, एक प्रकार से उसका जीवन बहुत नीच प्रकार का है। तो उसको कसाई को उसने आशीर्वाद दिया, उसने कहा मां जीवा मां मरा, तुम जीवित भी मत रहो और तुम मरो भी मत, तुम्हारे लिए जीवना भी कोई फायदे का नहीं है और मरने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम जीवित भी मत रहो और मरो भी मत। बाद में एक भगवान का भक्त था, उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको कहा जीवावा मरावा, तुम जीवित भी रहो तो भी एक ही बात है, और तुम अगर शरीर को छोड़ देते हो तो भी एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जीवित भी रहो तो भी कुछ तो भी बराबर है, और तुम अगर शरीर छोड़ देते हो तो भी बराबर है। तो जीवा वा मरा वा, या तुम जीवित रहो या मरो, दोनों बराबर। तो ये समझने लायक है कि इस संत ने ये चार अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिए। तो देखिए ये जो राजा का पुत्र है, अभी इसके पास में धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, ठाट है, बाट है, सब कुछ है, तो अभी अपना जीवन भोग रहा है, मजे में है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि जितना वो इस धन दौलत को जो उसने अपने पूर्व जन्म के कारण प्राप्त किया है, जितना वो भोगेगा उसका जीवन अंत होने के बाद में सीधा नरक लोक को जाएगा। तो कम से कम अभी भोग रहा है तो लंबे समय तक भोग ले। तो इसलिए संत ने उसको आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवा, तुम बेटर जीवित रहो तो अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद कहाँ जा रहे हो, नरक लोक, तो और लंबी आयु जी लो, चिरम जीवा। और जो मुनि का पुत्र था उसको कहा माँ जीवा, क्योंकि उसका जीवन तपस्या से भरा है, उसने अपना जीवन शुद्ध कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि तुमने अब काफ़ी तपस्या कर ली है, अब इसका रिजल्ट, अब इसका फल ले लो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, अब जब तुम इस शरीर को छोड़ दोगे तो तुम्हें जो है उच्च जीवन की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए और अब आगे तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते माँ जीवा। तीसरा, उन्होंने कसाई को कहा था माँ जीवा माँ मरा, तुम जीवित भी मत रहो तुम मरो भी मत। क्यों? क्योंकि कसाई जो है उस जब वो जीवित है वो किस प्रकार के जीवन को जी रहा है, नरक का जीवन जी रहा है। जरा आप सोचिए, आपको दिन रात खून में रहना पड़ता है, जहां पर आप जानवरों की गर्दन काट रहे हैं, वो जानवर भय से चिल्लाता है, रोता है, चीखे मारता है, खून बह रहा है, आप सारा दिन उसी प्रकार के जीवन में रहते हैं तो आप नरक में रह रहे हैं। तो इसलिए वो कसाई को कहता है माँ जीवा, तुम्हारे जीने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम जब जीवन जी रहे हो तुम नरक भोग रहे हो, और मरने के बाद में भी नरक जाओगे, अभी भी नरक बाद में भी नरक, तो जीवन का भी फायदा नहीं मरने का भी फायदा नहीं, माँ जीवा माँ मरा, तो तुम जियो भी मत मरो भी मत।
और भगवान के भक्त को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको कहा, जीवा वा मरा वा, तुम जीवित रहो या मरो दोनों बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है जब जीवित है तब भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और ये शरीर छोड़ने के बाद में जब भगवत धाम में जाएगा वहाँ पर भी भगवान की सेवा में लगेगा। तो यहाँ पर भी भगवान की सेवा, वहाँ पर भी भगवान की सेवा, तो उसके लिए कोई अंतर नहीं। तो मतलब ये जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होते हैं उनको मृत्यु से बहुत भय होता है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं समय वो इतना इन सब चीज़ों में उसकी चेतना इतनी डूबी हुई थी, इंद्रिय भोग करने में अनेकों प्रकार के यज्ञ कराने में लगा है, अपनी अनेकों प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए अपने परिवार से इतना आसक्त है, उसकी चेतना भी गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते अब वो ऐसे समय तक आ पहुंचा है जो उसको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अब बुढ़ापा आ रहा है, अब उसका मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग जो व्यक्ति खासकर इंद्रियों का भोग करना चाहता है क्या उसको ओल्ड एज अच्छी लगेगी, बुढ़ापा अच्छा लगेगा? भाई वो तो इंद्रियों का भोग करना चाहता है, उसके मन में बहुत सारी इच्छा है, ये भोगना चाहता हूँ, लेकिन शरीर आपको अलाउ नहीं करेगा। आप अनेकों प्रकार के पकवान खाना चाहते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है, बुढ़ापा आ रहा है, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ आ रही हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आपको पचन नहीं होगा, आप खाना नहीं भोग पाएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो इस संसार को भोगना चाहता है उनको ये समय अच्छा नहीं लगता है। तो आगे बताते हैं नारद जी कि इस प्रकार से एक बताते हैं वो कि गंधर्व लोक का जो राजा है उसका नाम है चंडवेग, और इस चंडवेग के 360 पुरुष सैनिक हैं और 360 महिला सैनिक हैं। तो इन राजा चंडवेग ने राजा पुरंजन की इस शहर के ऊपर, पांचाल देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो चंडवेग ने भी आक्रमण किया, और उसके साथ में कौन है? उसके साथ में 720 सैनिक हैं, जिसमें से 360 पुरुष सैनिक हैं, 360 महिला सैनिक हैं, और इन सब ने मिल करके राजा पुरंजन उसके ऊपर आक्रमण किया, और जितने भी उसके अनेकों प्रकार के उसके शहर के अंदर में जितने भी अनेकों प्रकार की उसकी इंद्रिय भोग की वस्तुएं थी उन सब के ऊपर भी आक्रमण किया और उन सबको लूटना प्रारंभ किया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी आगे बताएंगे कि ये चंडवेग क्या है, ये कौन सा राजा था चंडवेग, और इसके ये जो 720 जो सैनिक थे, कुछ पुरुष हैं, आधे पुरुष थे आधे महिला सैनिक थे, ये कौन है? तो देखिए ये जो नाम बताया है चंडवेग, ये काल को बताया है, समय को बताया है। समय का नाम नारद जी चंडवेग क्यों कह रहे हैं? चंडवेग का मतलब होता है जो इतनी गति से जाता है, इतनी स्पीड से जाता है कि हमको पता भी नहीं लगता है हमारा समय कब निकल जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है।
धीरे धीरे हमारा जीवन जो है अंत हो जाता है। तो इसलिए जो बहुत गति के साथ में चलता है उसको समय कहते हैं। इसलिए बड़ा उपयुक्त नाम दिया है नारद जी ने इसको, चंड वेग, बहुत गति के साथ में जाता है। और ये जो 360 जो उसके सैनिक हैं ये कौन है? तो 360 पुरुष दिन का समय और रात का समय रात्रि वो महिला। तो 360 क्यों है? वैदिक गणना के अनुसार साल में 360 दिन होते हैं। आजकल तो हम लोग साइंस के अनुसार जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वगैरह है उसके अनुसार हम लोग 365 दिन बोलते हैं, 365 डे। वेदों के अनुसार एक साल 360 दिन का होता है। तो 360 दिन हमारे पास में होते हैं एक साल में, 360 रात होती है, तो कुल मिलाकर के 720 हो गए। तो अब ये किस प्रकार से हमारा जीवन लूटते हैं दिन और रात मिलकर के, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 77259772600, 8585850033।